बिग बॉस के घर में चल रहा है माई ग्लैम फेस ऑफ द सीजन का कॉन्टेस्ट। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो टीना नंबर वन की पोजीशन पर थी, उसके बाद वो काफी खुश थी, लेकिन जिस हिसाब से दूसरे हफ्ते बाजी पलटी, टीना को तगड़ा झटका लगा क्योंकि यहाँ पर प्रियंका और सुम्बुल टॉप टू में आ गए और टीना नंबर तीन पर चली गई, तो उनको काफी तगड़ा झटका लगा था, जिसकी वजह से निमृत से कह रही थी कि ये एक पुश है। अब मुझे लगता है कि टीना को और भी तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि वो और भी पीछे चली गई हैं और इनफैक्ट सौंदर्या से भी उनको कम वोट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट्स दूसरे हफ्ते से हम देख रहे हैं कि प्रियंका चहर चौधरी को मिल रहे हैं और प्रियंका नंबर वन की पोजिशन पर बनी है। तकरीबन 41% वोट यहाँ पर प्रियंका चहर चौधरी को मिल रहे हैं। उसके बाद है सुम्बुल तौकीर खान, सुम्बुल तौकीर खान को 28% वोट मिल रहे हैं। निमृत को तकरीबन 13% वोट मिले हैं और सौंदर्या नंबर चार पर आ गई हैं, सौंदर्या को 7% वोट मिले हैं। यहाँ पर टीना जो कि इतना खुश थी पहले हफ्ते, उसके बाद उनको काफ़ी बुरा भी लगा, वो अपने आप को ब्रांड मानती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी तगड़ा झटका लगेगा जब उनको पता चलेगा कि वो सौंदर्या से भी पीछे हो गई हैं और नंबर पाँच की पोजीशन पर पहुंच गई हैं, उनको सिर्फ 5% वोट मिल रहे हैं। नंबर छः पर है अर्चना गौतम, अर्चना गौतम को 3% वोट मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितने किसको वोट्स यहाँ पर मिले। तो प्रियंका जो कि लीड कर रही हैं इस कॉन्टेस्ट में, सबसे ज़्यादा उनको वोट्स मिले, उनको वोट्स अभी तक के मिले हैं 6,70,92,849 वोट यहाँ पर मिले हैं प्रियंका चहर चौधरी को। उसके बाद नंबर दो की पोजीशन पर हैं सुम्बुल तौकीर खान, सुम्बुल तौकीर खान को जो वोट्स मिले हैं वो हैं 4,67,34,733 वोट यहाँ पर सुम्बुल तौकीर खान को मिले हैं। निमृत आ गई है नंबर तीन पर, निमृत को काफ़ी बढ़िया वोट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। निमृत जो है ना, उनको जो वोट्स मिले हैं वो 2,20,06,689 वोट्स यहाँ पर मिले निमृत को। उसके बाद नंबर चार की पोजीशन पर आ चुकी हैं सौंदर्या, सौंदर्या को 1,24,74,906 वोट्स यहाँ पर मिले हैं सौंदर्या को। टीना नंबर पाँच पर आ चुकी हैं, टीना को 86,84,088 वोट्स उनको अभी तक के मिले हैं। अर्चना गौतम को 92,60,181 वोट्स उनको मिले हैं। तो लीड प्रियंका और यहाँ पर सुम्बुल कर रही है, क्योंकि ये दोनों नंबर एक नंबर दो की पोजीशन पर है। बाकी टीना जिस तरीके से यहाँ पर उनके वोट्स में यहाँ पर इतनी कमी दिख रही है, तो हो सकता है कि इस बार टीना को काफ़ी तगड़ा झटका लगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं इस पर आपका क्या कहना है। थैंक यू।